सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक माई चैनल। तो गाइज, आज मैं आप लोग के लिए एक नया सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि इंग्लिश में किसी से बात करते समय या फिर लिखते समय हम कब एट, इन, ऑन का यूज़ करते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि कब एट, इन और ऑन का यूज़ करते हैं। तो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। यूज ऑफ एट। एट का यूज हॉर्स, मिनट और सेकेंड्स के लिए करते हैं। जैसे आप बोलते होंगे, मैं 2 बजे आऊँगा, मैं 20 मिनट बाद पहुँच जाऊँगा, बस 2 सेकेंड लगेंगे। तो गाइज, इस तरह के सेंटेंस आप डेली यूज में ज़रूर बोलते होंगे। तो गाइज, इस वीडियो को आप पूरा देख करके, अच्छे से समझ करके, आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना के बोल सकते हैं। तो गाइज, आइए इसको एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है, मैं 10 बजे ऑफिस जाता हूँ। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock। आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock। मैं तुमसे 2 बजे मिलूँगा। आई विल मीट यू एट 2 o'clock। आई विल मीट यू एट 2 o'clock। यूज ऑफ इन। इनका यूज़ गाइस ईयर्स और मंथ के लिए करते हैं। जैसे आप बोलते होंगे कि मोदी जी सन 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मेरा जन्म सन 2000 में हुआ था। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आइए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। भारत सन 1947 में आज़ाद हुआ था। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947। मैं जनवरी में पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। यूज ऑफ ऑन। ऑन का यूज गाइज डेज और डेट के लिए करते हैं। जैसे मैं आपसे सोमवार को मिलूंगा। आई विल मीट यू ऑन मंडे। आई विल मीट यू ऑन मंडे। मेरा जन्मदिन 30 जनवरी को आता है। माई बर्थडे इज ऑन 30 जनवरी। माई बर्थडे इज ऑन 30 जनवरी। तो गाइज, ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो आपको ज़रूर समझ आया होगा और आपको पता हो गया होगा कि हमें कब एट, इन, ऑन का यूज़ करते हैं। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।